अस्सलाम वालेकुम। आज इस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं, ये है टोयोटा हाइलक्स रिवो रोको। रोको फुल ऑप्शन, आजकल माशाल्लाह मार्केट में ट्रेंडिंग रोको ही चल रहा है। रिवो में वी ज़्यादा चलता था, तो रोको जब से आया है तो वी की डिमांड कम हो गई है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़रा कल्चर थोड़ा डिफरेंटली मूव करता है, वो इस सेंस में कि जिनके पास 21 के रिवो खड़े थे उन्होंने रेट करोड़ से ऊपर कर दिया है। हालांकि वो 21 के रिवो 21 में 84 के मिलते थे, 21 के एंड में वो रिवो हो गए 92-93 के, और आजकल 1.2-3 करोड़ का बिक रहा है। रोको की अगर बात की जाए तो रोको की सबसे अच्छी बात थी वो ये थे कि इसी कॉस्मेटिक चेंज जो कि गाड़ी को एक अच्छी खासी इनहेंस लुक देते हैं। कोशिश में कर रहा था ब्लैक रिवो रोको मिल जाए तो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मिलेगा उसके भी इंशाल्लाह आपके लिए रिव्यू लेकर ज़रूर आएंगे। अब वाइट की अगर बात की जाए तो वाइट पे जो ये चेंजेस ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक में एक अपनी लुक है, क्योंकि वाइट में ना लोगों ने फेस लिफ्ट काफ़ी कराया है, ब्लैक में फेस लिफ्ट लगा ज़्यादातर लोगों ने कराया नहीं है। अगर लाइट्स की बात की जाए सेम एज रोको, जो इसका रिवो नई शेप आई थी 21 में फेस अपलिफ्ट वाला वैसा ही है। प्रोजेक्शन लैम्प, DRL इंडिकेटर, फोग लैम्प, पार्किंग सेंसर 22 वाले रिवो में भी हैं, वी में और रोको में भी पार्किंग सेंसर आते हैं। LED फोग लैम्प्स हैं, फ्रंट पे ब्रेक ग्रिल प्लास्टिक की, उसके अलावा ग्लॉस ब्लैक में आपको रिम मिल जाएगा, और रिम आप इस गाड़ी का चेक करें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़रा अच्छी नहीं लगी, ये जो ऑरेंज ऑरेंज इसके ऊपर है पता नहीं ये क्या चीज़ है। 18 इंच का रिम आता है, सो ये अगर रेयर से मैं बात करूँ तो ये देखें रोको की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी, और जो 4x4 डिफरेंशियल लॉक रिवो वी में यहाँ लिखा होता है वो इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया है। लुक बड़ी स्पोर्टी बनाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी स्पोर्टी लुक है अभी से ही। रियर लाइट्स देखें आप, ब्रेक लैंप्स हैं, इंडिकेटर लाइट, उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर पीछे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हुक आपको ये रिवो वी में मिलना शुरू हुआ था, उससे पहले हुक नहीं आते थे। डेक इसका काफ़ी बड़ा है। सो व्यूज़, डोर पैनल की बात की जाए तो पावर विंडोज सारी ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल यूज़ की और सिक्योरिटी पर्पज़ की ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, शोशा के लिए इतने ज़्यादा लोग नहीं लेते ये। उसके अलावा आपको इसमें मिरर, मूविंग मिरर मिल जाएंगे, और आप इसका स्पीडोमीटर देखें, ये वाला सेम स्पीडोमीटर रिवो वी में भी है, और उसके अलावा लेजेंडर में भी सेम ही है, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज है कलर्स के बस। उसके अलावा स्टीयरिंग आपको मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें आपको टेलीस्कोपिक नहीं है। हालांकि देखें काफ़ी दुनिया में तरक्की हो गई है, जो पिकअप ट्रक्स हैं आजकल तो ये लग्जरी स्पोर्ट्स ट्रक समझे जाते हैं, तो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होना चाहिए था। क्रूज कंट्रोल, उसके साथ साथ एयर बैग इस गाड़ी के अंदर अभी तक दो ही हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। LED 2021 के जो रिवो ओल्ड शेप था और न्यू शेप दोनों में ये LED चेंज कर दी गई थी। 20 में भी चेंज कुछ मॉडल में आए थे, कुछ में नहीं, उससे पहले 17, 18, 16 वाले में LED काफ़ी अंदर होती थी। आप इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक कर सकते हैं, अब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक कर सकते हैं, मतलब मैं हर चीज़ इसी असेस में है, जो पहले सिस्टम था वो नहीं है कि आप यूँ कर रहे हैं तो इतना लैग होगा कि चलेगा नहीं। बाकी इसका आपको मैं कैमरा की क्वालिटी चेक कराता हूँ, किधर गया, ठीक है, फ्रंट कैमरा, वेबकैम दिखाते हैं, वेबकैम तो चलना चाहिए। ये देखें क्वालिटी इज़ वे मच बेटर, है थोड़े पिक्सल फटे हुए लेकिन ठीक है, ये गाड़ी के वो है, वैसे तो कुछ नहीं है। उसके अलावा एयर बैग की लाइट्स ये देखें, ये है प्राइवेसी कंपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हो तो, और ये है वैसे कंपार्टमेंट। ये कूल बॉक्स नहीं है, काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है कूल बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, मतलब ठंडी चीज़ रखेंगे तो वो ठंडी रहेगी, उस तरह ठंडी नहीं रहेगी, मेल्ट होगी लेकिन, और गर्म चीज़ रखेंगे तो गर्म ही रहेगी क्योंकि यहाँ हवा आ रही है। उसके अलावा नीचे आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, वो भी डुअल जोन है। उसके साथ साथ फैन, फ्रंट रियर डिफोगर। एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे इस गाड़ी में लगती है वो है इस गाड़ी के ये 5 फीचर। एक तो फास्ट चार्जिंग रोको में आ गई, ये रिवो वी 22 में भी आ रही है पार्किंग सेंसर वाले में। उसके अलावा 120 वॉट का चार्जिंग डॉक्ट एक, और ये दो, मतलब
आप फुल जिसे कहते हैं ना, हर आपको बिजली के अप्लाइंस चार्ज कर सकते हैं आप यहाँ से। दूसरा है ऑक्स, इधर मिल जाएगी और यूएसबी कनेक्टिविटी साथ ही होती है ऑक्स की, जहाँ भी ऑक्स आएगी वहाँ यूएसबी कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। ये है डाउन असिस्ट सिस्टम, जैसे आप इसको पिकअप ट्रक को डाउन साइड पे पहाड़ की तरफ लेके जाते हैं तो, या वैसे किसी स्लोप पे होते हैं, ये अपना ट्रैक्शन नहीं खोता, बैलेंस नहीं खोता। रीज़न बीइंग ये कि जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो गाड़ी, मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आपसे मैनेज नहीं होती। लेकिन अगर आपने ये बटन एक्टिव किया हुआ तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और असल में ये गाड़ी के चेसिस को बैलेंस रखता है ताकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। दूसरी चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक के बारे में मैं एक बात बताता चलूँ, काफ़ी लोग समझते हैं डिफरेंशियल लॉक ऐसे ही दे देते हैं फॉर्च्यूनर रिवो कौन सा किसी ने ऑफ रोड करना है। देखें, बार दफ़ा सड़क टूटी वगैरह भी हो ना तो डिफरेंशियल लॉक ऑन करने का या फिर गाड़ी स्किड नहीं करती। अब जैसे अगर कोई सड़क बन रही है, मोटे पत्थर बिछाए हैं उन्होंने तारकोल डालने से पहले, तो गाड़ी थोड़ी सी ना स्किड करती है, तो डिफरेंशियल से ये गाड़ी अपने जो चारों टायरों पे पावर है ना वो डिफरेंट रखती है, जहाँ ज़रूरत ज़्यादा हो वहाँ ज़रूरत ज़्यादा देती है। उसके अलावा वैनिटी मिरर, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में अभी तक हैलोजिन है, होना चाहिए था वैसे LEDs हो, क्योंकि एक अच्छी कमर्शियल टाइप की गाड़ी है। ग्लासेस होल्डर, यहाँ की बात की जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है इसमें, ये इसके अलावा शिफ्ट लॉक भी है। इको और पावर, इको पे गाड़ी की आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है फ्यूल एवरेज के लिए होता है। पावर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन जब हम चलाएंगे तब ज़्यादा अंदाज़ा होता है। उसके अलावा यहाँ पर ग्लव बॉक्स, इसमें भी आपको लैपटॉप की चार्जिंग के लिए सॉकेट मिलती है। सो व्यूअर्स, अगर रियर से बात करें तो अगली सीट फुल पीछे है, जिसे कहते हैं फुल एक्सटेंड पीछे, तो मैं ऐसे कंफर्टेबली बैठा हूँ, ज़्यादा तंग नहीं हो रहा, क्योंकि इस वाले में इन्होंने थोड़ी सी ना लेग स्पेस इंक्रीज़ की है, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके अलावा आपको एसी मिल जाएगा, एसी के साथ साथ नीचे आपको चार्जिंग के लिए कुछ नहीं मिलता। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है रोको का और रिवो वी का भी, कि इन्होंने आगे चार्जिंग के लिए तकरीबन 6 जगह दिए सॉकेट्स और पीछे कुछ भी नहीं है। उसके अलावा लेग स्पेस अच्छी है, कप होल्डर्स 2 के लिए। ये आ गया है कम्युनिकेशन मिरर, इसको मैंने खोल के हेलो गाइस करके और इसको बंद कर दिया। तो मनीब, कैसी गाड़ी लगी आपको ये? यार अच्छी है लेकिन महंगी बहुत है। आप किस लिहाज से इसको महंगी कह रहे हैं? महंगी के आजकल वैसे तो पाकिस्तान में या बल्कि दुनिया में जितनी महंगाई हुई है तो 10 मिलियन की वैल्यू कहीं भी नहीं रहती। सही है। लेकिन करोड़ में आप एक पिकअप ट्रक ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत महंगा है। सही सही। और आप इसको किससे कंपेयर करेंगे लोकल को? मैं इसे Isuzu D-Max से करूंगा, और एक फोर्ड रेंजर आता है पाकिस्तान में बहुत कम लोग मानते हैं, ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। सही। उससे कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। और यूटिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? यूटिलिटी असल में तो ये गाड़ी बनी हुई है 4 लोगों के लिए, सही है। क्योंकि इसमें आप सेडान्स वाला काम नहीं कर सकते कि पीछे 3 बिठा दें, पिछले ज्यादा बहुत तंग होंगे, लेकिन लोग बिठाते हैं। वैसे जो इसका यूटिलिटी है कि मेन पर्पज इसका है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ज्यादातर लोग, क्योंकि इसमें आप पीछे मिरर देख सकते हैं वगैरह में, इंटीरियर सेल में तो काफी ज्यादा जो है वो ये इसलिए यूज होता है, और उधर सेल भी इसकी ज्यादा, सेल बहुत ज्यादा, उधर वीगो की बहुत डिमांड है। अब इसमें पीछे आप मिरर देख सकते हैं, वो इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आप गार्ड साथ कम्युनिकेशन कर सकते। सही सही। और फ्यूल एवरेज के हवाले से क्या कहेंगे आप? फ्यूल एवरेज वीगो की आ जाती है 800 अगर अच्छा चला रहे हैं, और अगर आप इसे जिसे जो इसका असल यूज है 2800 जैसे डीजल इंजन का उस लिहाज से चलाते हैं तो तकरीबन 6-7 के अराउंड। सही सही। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टोयोटा रोको का रिव्यू, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर फ्यूचर में आप हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव गाड़ियों के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।